अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपोजिशन की धुआंधार एपीसी का इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तानी सियासत के ऊपर? जो 3 माह की तहरीक का ऐलान किया है अपोजिशन ने, कौन लीड करेगा उसको? क्या इस दौरान नवाज शरीफ वापस आएंगे, लीड करेंगे, या पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा अपोजिशन की क़यादत है वो इसको लीड करेगी? क्या असरात होंगे हुकूमत के ऊपर? क्या हुकूमत इनमें से कोई मुतालबात मान सकती है जो अपोजिशन ने डिमांड किए हैं? इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। आज स्टूडियो में साथ मौजूद हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, साबिक वज़ीर हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सिटिंग प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार एसोसिएशन मलिक ज़फ़र खोखर साहब, दी यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ द कैपिटल। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आप तशरीफ़ लाए। और फ़ोन लाइन पे नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ रूलिंग पार्टी से MNA हैं नुज़त पठान साहबा। नुज़त साहबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नुज़त साहबा पहले ये बताइएगा, जो डिमांड्स आ गई कल से सब चीज़ लोगों के सामने है कि प्राइम मिनिस्टर फ़ौरन रिज़ाइन करें, जो भी बातें आपके सामने हैं, इनमें से कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जो आप मीट कर सकती हैं? इनकी क्या डिमांड होगी? ये तो सारी दुनिया सब पता होता है कि आपस में क्यों जमा हुए हैं, और पूरे पाकिस्तान के लोगों को भी पता है कि आपस में क्या इनके अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और जो एक दूसरे के पेट फाड़ने के पीछे लगे हुए थे अब वो एक दूसरे की मोहब्बत में जो है वो बेहोश हो रहे हैं। और बिल्कुल ही मुझे तो अभी याद आ रही है अपना जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ था तो अपना बिलावल भुट्टो की बड़ी धुआंधार स्पीच हुई थी कि वो करप्ट है नवाज शरीफ, अच्छा हुआ उसको सजा हो गई, ये हो गया वो हो गया, और ये अपनी चोरी छुपा रहा था, अपने ये करप्ट आदमी था, करप्शन की हुई थी। उसके बाद फिर वो आसिफ अंसारी साहब ने भी कह दिया था कि वो तो सिक्योरिटी रिस्क बन गया, तो और फिर वो भी हमारे मौलाना फजल रहमान, उनको तो 2 साल उन्होंने इतना बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि कल भी हमने देखा कि उसको बेवकूफ बना दिया। नुज़ा साहबा अगर माजी के आप हवाले दे रहे हैं कि इन लोगों ने ये कहा, इन लोगों ने ये कहा, अगर आपको याद हो आपकी कैबिनेट में शेख रशीद और बाबर एवान हैं जिनकी ऐसी ऐसी वीडियोस में आपको दिखा सकता हूं कि वो एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे इमरान खान को, और आज उनकी कैबिनेट का हिस्सा है। हमारी कैबिनेट का हिस्सा जरूर है, लेकिन हम उनको अपनी कैबिनेट में इस बुनियाद पर लेकर आए कि अगर उनके लीडर जो उस वक्त में वो उनकी क़यादत में थे, अगर वो करप्ट थी तो उस वक्त जो इन्होंने जुर्म किए या जो भी कुछ किया, अगर आपको नए बुलाती है तो आपको फेस करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो नहीं हो सकता कि अपना इमरान खान करप्शन कर रहा है तो सबको ही माफी मिलेगी, ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान की कौन सी कोई मुतालबा आप मान रहे हैं? आगे बढ़ते हैं पठान साहबा, कोई मुतालबा इनका जो डिमांड्स हैं कोई ऐसी है? क्या डिमांड है? मैं वही तो कह रही हूँ आपको कि इनकी डिमांड नहीं, फजल रहमान साहब क्या कह रहे थे कि आप लोगों ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है और आपने अपनी स्पीचेज ऑन एयर कर दी और मेरी स्पीच को रोका गया, और उस पर फिर शेरी रहमान साहब ने क्या कहा कि नहीं आपके तो किसी आदमी ने कहा था, उसने कहा था मेरी तो ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। जब ऐसी कोई बात जब वो आपस में ही नहीं अभी इससे बने हुए, तो अभी तो बहुत 3 महीने तो बहुत लंबी स्ट्रगल है इनकी। ठीक चौधरी साहब, अब आपकी तरफ। सर आप इकट्ठे हुए हैं जाती मफादात के लिए, और तमाम हुकूमत कह रही है कि अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए या वो दबाव कम करने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं, जो कि पसे पर्दा इकट्ठे नहीं है अगर बड़ी दो जमातों की बात की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जब आपके पास सवाल का जवाब देने को ना हो जो सवाल किया जाए, तो फिर यकीनन आप कहीं ना कहीं से कोई ऐसा शील्ड तलाश करेंगे। आप 150-200 दर्जन जो इनके तर्जमान हैं जिनको आज समझाने के लिए खुद आर्मी चीफ को इस्लामाबाद आना पड़ा, DGISI को आना पड़ा, वज़ीर आज़म इमरान खान चेयर कर रहे थे। नहीं, तर्जमानों के साथ वो नहीं बैठे जी, ज़रा कहते हैं और ये खबरें चली हैं कि वज़ीर आज़म के साथ कुछ और लोग भी थे बैठे हुए, काबीना तो के लोग थे। लीडर्स जाके बैठे हैं किसी के साथ? नहीं, वो पुरानी बात है, मैं आज की बात, पहले की बात है। नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ ना, आपने सवाल किया है, मेरे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है। एनीवेज आप कह रहे हैं, मैं उस पे भी बात कर रहा हूं, तर्जमानों के साथ बैठे आज आर्मी चीफ और DGISI वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद में मिले, ये तस्वीरें भी इशारा प्राइम मिनिस्टर से मिले ना? जी जी, प्राइम मिनिस्टर से, काबीना से नहीं मिले, काबीना के लोग भी थे ना, काबीना तर्जमान है ना, सबसे पहली तर्जमान तो काबीना होती है, और उनको कल से जो उनको कोई बात नहीं आ रही थी, आप सोशल मीडिया उठा लें, मीडिया उठा लें, कि मियां नवाज शरीफ की किसी एक बात का जवाब दिया हो या
जो फैसले एपीसी ने जो अपना एलामिया जारी किया उसके ऊपर किसी चीज़ पे बात की हो, नहीं की, और आज उनको समझाना बुझाना पड़ा और कहना पड़ा, तो ये पुरानी चीज़ों में जाएंगे। एपीसी किस बात पे और कल मियां नवाज शरीफ की तकरीर में वज़न क्यों था, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इमरान खान साहब जो 5 साल 7 साल दावे करते रहे, 2 साल में कोई एक दावा और वादा पूरा नहीं किया। मैं एक जुमला दोहराता हूँ मियां नवाज शरीफ का कि सी पैक का वही हाल किया इस हुकूमत ने जो बीआरटी पिशावर का। अब इतना कह देना काफ़ी है, पाकिस्तान में बसने वाले हर आदमी को पता है कि बीआरटी का क्या हशर हुआ, अब उसकी कोई तर्दीद नहीं कर सकता। और वो हशर किसने किया, वो इमरान खान ने 2 साल के अंदर किया। ठीक सर, अगर मुल्क के अंदर इंतजामी अमूर का, अगर मियां नवाज शरीफ ने ये कहा कि मेरी उस बहन और बेटी के साथ जो सानहा पेश आया मोटरवे के ऊपर, उसके बाद सारी हुकूमत एक SSP और एक वो DIG सॉरी उसके साथ खड़ी है, उसकी बात कर रही है, उसकी तर्जमानी कर रही है, तो फिर क्या मियां नवाज शरीफ की बातों में वजन नहीं होगा? लेकिन वजन उनकी हर चीज़ में है। अगर माशाल्लाह जिस तरह आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं, आप आए हैं वहाँ पे, अगर इसी तरह वो हसन नवाज़ की ऑफिस में भी गए हैं माशाल्लाह ख़ुद चल के और सारा दिन APC में बैठ रहे हैं, वो मफरूर तो हैं पाकिस्तानी अदालतों में, तो वो पाकिस्तानी में अदालतों में अगर इस तरह कोई शख्स सारा दिन बैठ सकता है मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकता है, तो फिर तो सवालात उठते हैं कि आप तो किसी और बहाने पर गए थे। हम बहाने पे नहीं गए थे। आज इनकी वज़ीर साहिबा यास्मीन राशिद साहिबा सारा दिन कहती रही हैं कि मैं आज भी जिम्मेदारी लेती हूँ, वो बीमार थे, उनकी हालत थी तब, अब वो सेहतमंद हैं माशाल्लाह। जाते ही विदाउट एनी नहीं जाते ही नहीं 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 नहीं, 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 नहीं देखें ये आप ये गलती प्रोसीजर नहीं हुआ, ये आप गलती कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, जो प्रोसीजर होना है वो हार्ट की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी है, जो उस दिन इशू था अभी नहीं हुआ जी, अभी जो अभी नहीं हुआ, कोरोना की वजह से डिले हुआ। और जब गए थे, जब गए थे, जब नहीं 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 सुन लेना जी, इशू उस वक्त क्या था, उस वक्त प्लेटलेट्स का इशू था और पाकिस्तानी डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और इसी हुकूमत के बनाए हुए बोर्ड ने कहा था कि इन्हें जाने देना चाहिए, और इस मुल्क की अदालत ने कहा था जाने देना चाहिए। सियासतदान या सियासी कारकुन जेल में हो, अस्पताल के बेड पे हो, वो सियासत करता है और आइंदा भी करेगा। और मियां नवाज शरीफ ऐसी वेवर नहीं मिली, अडियाला जेल में कितने लोग होंगे जो इनसे ज्यादा सीवियर होंगे? ये बात आपकी दुरुस्त है, सीवियर होंगे, उनको ये बात आपकी दुरुस्त है। इस बात का, इस चीज का जवाब हुकूमत को देना चाहिए और अदालत को, क्यों इजाजत दी? अगर वो माशाल्लाह जरूरतमंद थे, एक APC अटेंड करते हैं तो नासिर साहब ये फ्लाइट पे बैठ के आ जाएं, बिल्कुल आ रहे हैं, वो आ रहे हैं वापस इंशाल्लाह आ रहे हैं। तहरीक के बाद नहीं, पहले आएंगे, ये अनाउंस नहीं किया उन्होंने, बाकी तो सारी करेंगे जी, वक्त आने पे करेंगे। इसके लिए एक और प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि वो कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होगी, बुला रही है यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म तो करिए अरेस्ट करके ले जी चले। अगर ऐसा कोई मुआहदा है और हुकूमत ये कहती है इस तरह से प्रोसीड करना चाहती है तो वो भी करें, वो हुकूमत के पास इख्तियार है, उसको तो नहीं रोक सकते ना। हुकूमत के पास उस दिन भी इख्तियार था जब हम नैब की कस्टडी में थे, हुकूमत के पास उस दिन भी इख्तियार था जब हम सर्विसेज अस्पताल में थे, हुकूमत के पास उस दिन भी इख्तियार था जब हम अदालत में गए, हमारी उस इस्तदा खुद नहीं उन्होंने आना आना प्यार इस्तेमाल किया, मियां नवाज शरीफ साहब ने आना है, जो कि अनाउंस नहीं है, आना और है तहरीक से पहले, बिल्कुल तहरीक से पहले आना है और आके अपना भरपूर, जिस तरह अभी अपना सियासी किरदार अदा किया, वो भरपूर अपना सियासी किरदार अदा करेंगे। मलिक साहब, इस आप एक कानूनी माहिर भी हैं, लॉयर भी हैं, प्रेजिडेंट भी हैं इस्लामाबाद बार के, एक तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो बड़ा एक यहाँ पे इशू उठा कि जी के एक मफरूर शख्स हैं या वो जो उनको सजा हुई हुई है तो वो मीडिया पे बात नहीं कर सकते, इस बारे में कोई लॉ कुछ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, क्लैरिटी है कि ये मीडिया का राइट है कि वो दिखा दें? हमें सौलत मिर्ज़ा की टेप्स दी गई, टीवी चैनल्स ने दिखाई, बड़े बड़े लोगों की वीडियोस दिखाई जो जेलों में थे, एक बड़े तो, आदमी का नाम परवेज मुशर्रफ भी है, शायद वो लेना मना हो लेकिन मेरे लिए नहीं है। आप ले दें, चले आपने ले रहा हूँ, अब आप लोगों ने लेना शुरू कर दिया, अदालत ने गद्दार करार दिया है, वो अदालत ही फारिग होगी जी। खोकर साहब, आप थोड़ा सा कानूनी पोजीशन अगर इस पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे। नसर अबीन साहब, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एब्सकॉन्डेंस का जहां तक तल्लक है, वो जो अपील पेंडिंग है, जिस अपील में वो एब्सकॉन्डर हुए हैं अकॉर्डिंग टू जो ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन है, तो जब वो उस कोर्ट को अप्रोच करेंगे तो उन्होंने अपनी उस पीरियड को एक्सप्लेन करना है, जब भी करेंगे उसकी जो भी रीज़न मियां साहब के पास होगी वो कोर्ट को एक्सप्लेन करेंगे, और फिर
ऑनरेबल कोर्ट ने देखना है कि जस्टिफाइड हो ना हो, लेकिन नेशन है जो उन्होंने रीजन पेश किया जस्टिफाइएबल है या नहीं है। जहाँ तक आपके दूसरे क्वेश्चन की बात है कि जो मीडिया टॉक उन्होंने किया, देखें ये फंडामेंटल राइट है यार हर आदमी का। अच्छा। किसी कानून में, किसी इवन के कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी जगह पे ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है, बार नहीं है, कोई बार नहीं है कि किसी भी केस का कोई एब्सकॉन्डर कोई बात नहीं कर सकता, मीडिया टॉक नहीं कर सकता। ये उसके राइट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं, और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई पाबंदी मौजूद है के जो उनको बात करने से रोकती है। तो इस सिलसिले में कोई एम्बिग्यूटी कोई रह नहीं जाती उनकी मीडिया। अच्छा, वो जो केस उनका चल रहा है नवाज शरीफ साहब का, जो अपील की जिसकी आप बात करें, वो उसकी दो तीन पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि अभी अभी सिर्फ उसी के ऊपर है कि उनको पेश किया जाए? अगर वो पेश नहीं भी होते तो क्या अपील चलेगी उनकी, या कोई और लॉयर आ जाएगा, या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं? अभी तो इसी सिलसिले में ही कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है कि उनको थ्रू एम्बेसी वो किया जाए, उनकी सबसे पहले तो उनकी प्रेजेंस और की अटेंडेंस के वाले से। लेकिन अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होते तो ऑनरेबल कोर्ट उनको एब्सकॉन्ड करके जो रेस्ट ऑफ अपील है वो उनको डिसाइड कर सकती हैं। जो अच्छा, वो कंटिन्यू हो सकती है उनके एब्सेंस में भी? नहीं, एब्सेंस में नहीं हो सकती हैं। अच्छा, उनको आना जरूरी है, ये मैंडेटरी है। जब उनको बेल ग्रांट की गई थी तो उन्होंने सरेंडर करना, ये मैंडेटरी है। सरेंडर करेंगे तो फिर उनकी जो ना आगे हेयरिंग होगी, जी बिल्कुल होगा। अच्छा, अदरवाइज ये एक तरह से यहाँ पे रुकेगा। जी बिल्कुल। मैं सर आगे आता हूँ। नुज़ा साहब, ये बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि उन्होंने अलाउ कर दिया टीवी चैनल्स को कि वो नवाज शरीफ की स्पीच दिखा दें। नुज़ा साहबा, हम भी पार्ट हैं उसी मीडिया का जिसके आप बात करें, क्या टीवी चैनल्स प्राइम मिनिस्टर अलाउ करते हैं कि किसी की स्पीच दिखानी है नहीं दिखानी? और ये ज़रूर इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि सब टीवी चैनल ने तो बात मान ली जब प्राइम मिनिस्टर ने अलाउ किया, हम सब ने बात मान ली, पीटीवी ने नहीं उनकी बात मानी। ये स्टेटमेंट मुझे नहीं समझ आई अभी तक। नुसरत पठान, उसका तो जवाब वो देंगे कि उन्होंने, वो सरकारी खबर रसाई एजेंसी थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हमें, हमारे आवाज को स्लब कर दिया गया है, हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारा राइट है हम तकरीर करें, फौज को गालियां दें, या पाकिस्तान के सिंसियर लोगों को या पाकिस्तान के जो वोटर्स थे उनको गालियां दें, जो हमारी मर्जी हम कहें, लेकिन हमारे हमें टीवी पे नहीं दिखाया जाता। तो खान साहब ने उस, वो मौजूद भी थे, टीवी पे चल भी रहा था, तकरीर भी कर रहे थे, फिर भी उनके पास एक लिखी हुई तकरीर थी जिसमें वो कह रहे थे कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमारी आवाज को बंद किया जा रहा है। हालांकि एक एक गांव, एक एक शहर में उनकी आवाज पहुंच रही थी और लोग देख रहे थे, सुन रहे थे। लेकिन आपकी स्टेटमेंट से ये मैसेज नहीं जाता कि प्राइम मिनिस्टर इधर अलाउ करते हैं नहीं अलाउ करते टीवी चैनल? नहीं, देखें जो है वो एग्जीक्यूटिव है पूरे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की देखें जी, हमारे मुल्क में तो प्राइम मिनिस्टर साहब के हेलीकॉप्टर में पाए भी जाते थे, तो क्या पॉलिसी कोर्टों ने उनके ऊपर एक्शन उठा लिया? वो ब्यूटी पार्लर से खवातीन लेके जाते थे उनके घरों में, वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ के जाती थी, तो ये सारा कुछ वो अपनी एक प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि कल जाकर कोई कह दे कि इमरान खान ने जो हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की, लोगों ने देखा कि वो अपनी, मैंने तो कहा बड़ी मेहरबानी की उन्होंने अलाउ कर दिया चैनल्स को, पर मेरा क्वेश्चन है पीटीवी ने नहीं मानी उनकी बात? मैं भाई साहब एक बात का भी जवाब देना चाह रही थी ना। जी जी प्लीज। भाई साहब ने कहा, भाई साहब दोनों भाई साहब आने किसकी बात ये कर रहे थे, तो नुज़ा साहबा पीएमएलएन के भाई साहब की या जो लॉयर भाई साहब? जी जी जी, हमारे चौधरी जाफर इकबाल साहब की बात कर रहे थे। जी प्लीज प्लीज। जी पुलिस वालों को सपोर्ट कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। मॉडल टाउन का वाकया सामने, आपने खुद कवरेज देखी थी और कार्रवाई भी थी, आपने देखा था प्रेग्नेंट औरत के ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई थी, उस वक्त पुलिस का जो एटीट्यूड था रहा था, आज पंजाब के लोग वही भुगत रहे हैं, क्योंकि इतने सालों से पुलिस का जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल जबराना था। इनके बॉक्सर पाले जाते थे, इनके लंगड़े लूले जो हुआ तो दिन दिहाड़े लगाए गए थे दर्जनों लोगों को, जो कुछ हुआ मॉडल डॉन के अंदर वो तो एक नहीं मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि ये सिस्टम सालों से चल रहा है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि नून की हुकूमत वहां थी, सिंध के अंदर भी आप उधर जहीं जहां भी जाएंगे आपको पुलिस का यही मिजाज मिलेगा। इसको ठीक करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, चाहे वो हमारी बार हो,
चाहे हमारी पार्लियामेंट हो, चाहे हमारी एनजीओ हो या हमारी मीडिया हो या पार्लियामेंट हो हमारी, हमें इन सारी गलत बातों पर जो है वो ठीक करना पड़ेगा, वरना तो आने वाली नस्ल हमारी कभी भी गुलामी में से नहीं निकल सकेगी। मेरा तो ये सोच है और अल्लाह करिए। अच्छा नुसरत साहबा, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। ये आप चाहते हैं कि आप सोलो इंडिपेंडेंटली अपने कोलिशन पार्टनर के साथ करें या अपोजिशन के साथ मिलके भी ये जो अचीवमेंट? मैंने कहा ना कि हम अच्छा वहाँ हाउस में, पार्लियामेंट के हाउस में ख्वाजा से बड़ा अच्छा बोलते हैं, दूसरे भी लोग बोलते हैं, हम हमारे यहाँ से भी बोलते हैं कि हम जो वीक पॉइंट थे, चलो 50 सालों से हमने नहीं किया, चलो हम उस पर उंगलियां भी उठा लेते हैं, हमें उठाती हूँ वहां से उठाई जाती है, लेकिन आखिर कोई तो ठीक करेगा ना इसको, ना सर आप ठीक करेंगे, मेरे बेटे ठीक करेंगे। नहीं, आपकी जिम्मेदारी, आप हुक्मरान हैं, आप हमारा टैक्स से मतलब एक बड़ी, आप लग्जरी प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो कहते थे मैं नहीं जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते हैं आप हुक्मरान हैं, आपने फिक्स करना है ना, आप अकेले करें या अपोजिशन के साथ मिलकर करें? देखो इकट्ठे कैसे करेंगे, आप लोग तो वायरलेस के थ्रू भी बात नहीं करते, अपोजिशन इन दोनों से भी चलती है, ये नहीं होता कि मैं चलाऊं पार्लियामेंट और मेरी अपनी जो है वो शरायत हो और अपोजिशन कहकर नहीं कि मेरी शरायत हो, हमें इस पार्लियामेंट को मजबूत करना है क्योंकि हमें पता है कि साजिश हो रही है इस पार्लियामेंट। अपोजिशन के साथ डायलॉग कर सकते हैं आप, ये जो एपीसी के डायलॉग भी हो सकता है हुकूमत का? देखें दरवाजे तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के हुकूमत के आपस में खुले हुए होते हैं ना, हम आपस में बैठते हैं, बहुत से इश्यूज पर बात होती, लेकिन जो नहीं, लेकिन आप तो कहते हैं चोरों से हाथ नहीं मिलाना, सिर्फ बात होगी। नहीं, अगर अच्छी पाकिस्तान के फेवर की कोई बात होगी तो उसमें हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे ना। हाँ। और मैं समझती हूँ कि इसमें हमारे वहां से बहुत से लोग पॉजिटिव सोचते हैं इस बात को, लेकिन अपोजिशन को आपने देखा हुआ है कि इतने सारे 2 सालों में मैंने तो यही देखा है कि कभी पाकिस्तान के इश्यू पर बात नहीं की है, या ये करते हैं कि हमारा बंदा जेल से क्यों नहीं इधर आया, हमारे बंदे को फैसिलिटीज क्यों नहीं दी गई, हमारे बंदे की प्लेटलेट कम हो गए, वो अभी कल मरने वाला है, उसको मेहरबानी करके जाने दो, उसके अलावा और क्या क्या 2 साल पार्लियामेंट में। बड़ी बात यह है, आपने कहा कि अपोजिशन से बात हो सकती है, ये जो उनका कहना कि अपोजिशन से बात हो सकती है बड़े बड़े मसाइल को हल करने के लिए, इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आर यू विलिंग टू टॉक टू गवर्नमेंट? देखिए एमएनए हैं, सिटिंग एमएनए हैं हुकूमत की, लेकिन वो बात उन्होंने इसलिए की कि जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब नहीं था, और जहां तक अपोजिशन के साथ बात करने का ताल्लुक है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं हर सवाल का जवाब दे दूं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं, मेरी गुजारिश ये होगी, आपने जितना मुझे समझाया मैं समझा हूं, मैंने बड़े एहतराम से बात सुनी, हौसला पैदा करें, आप सुन लें। ठीक, वो कह रहे हैं कि असल में मसला ये है कि किसका खिताब नशर होगा और किसका नहीं होगा। हमारे ये एपीसी के मुतालबे में आपके मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां हैं उनका भी जिक्र है, उसका ये जवाब नहीं देंगे। हमने दिखाया वो इनके नहीं, हमने तो इदारों के ऊपर जो आपने इल्जाम लगाए अनफॉर्चूनेटली वो भी एयर हो गए। मैंने मेरे भाई उस दिन की बात नहीं कर रहा, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। एक चैनल पे वीडियो चली थी चेयरमैन नैब की, और उसके बाद करते हैं मेरे शो में करते हैं और बड़ी तो मुझे कर लेने देना, मुझे किसी लाइव में मुझे एग्जांपल दे, मैंने मुझे कर लेने देना बात कर रहा हूँ तो मुझे कर लेने दे बात। ठीक, नहीं प्लीज, लेकिन आप चेयरमैन नैब की वीडियो एक चैनल पे चली, उसके बाद नहीं चली। जज अरशद मलिक की वीडियो चली और वीडियो बनाने वाला जो है वो हवालात में गया, और जिसने चेयरमैन नैब की वीडियो बनाई ना चेयरमैन नैब पे कोई एक्शन हुआ और ना उस वीडियो, तो ये है तकसीम और ये नजर आती है सबको, इसमें कोई ऐसी बात। मियां नवाज शरीफ की तकरीर रोकने के लिए अगर इन मेरे लिए काबिल एहतराम है मुंतखब रूप में जी जी, इनके गैर मुंतखब जो तर्जमान हैं वो एक दिन पहले शोर डाल रहे थे कि पैमरा हरकत में आएगा, वज़ीर-ए-आज़म के तर्जमान गिल साहब जी, गिल साहब वज़ीर-ए-आज़म गिल साहब मुतनाज़ा बनाते हैं, इंप्रेशन देते हैं कि शायद पैमरा उनके अंडर है, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म उन्हें ना अपना तर्जमान रखें। और जब उन्होंने अगले दिन बैठे रहे, इनकी बैठक हुई सरकार की एपीसी के पहले, उसे मिलकर बैठे हुए थे, इन्होंने खुद भी लाइव देखना था कि मियां नवाज, इनको भी तजस्सुस था कि मियां नवाज शरीफ क्या कहते हैं, और दूसरे जिनको मियां साहब मुखातिब थे उन्होंने भी लाइव बैठ के सारा देखा। और जब इनको ये नजर आया कि ट्विटर पर लाइव चलेगी, फेसबुक के लाइव चलेगी, यूट्यूब पे लाइव चलेगी, और मीडिया हाउसेस ने कहा कि भाई ये ऐसी बात है जो सब सुनना चाहते हैं, तो कोई रोक नहीं सका। अगर बात ऐसी होती तो फिर पाबंदी नहीं है, हमारी मर्जी है कि हम चाहें तो दिखा दें। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, न्यूज़ वैल्यू तो हमने डिसाइड करनी है,
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे वो सारी रूटीन की रवायात, किसी को नहीं पता था कि मियां नवाज शरीफ शिरकत करेंगे कि नहीं करेंगे। एक दिन पहले ये बात आई कि शिरकत करेंगे, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो 45 मिनट का खिताब करेंगे। था अंदाज़ा किसी को नहीं था। 45 मिनट वो पाकिस्तान की आला इदारों, आप जरा आला इदारों की कारकर्दगी, मैं उन आला इदारों, वो मेरे टैक्स पे आला इदारे हैं ना जी, आला इदारा मैं हूं जो अवाम हूं पाकिस्तान का, आला इदारा आप हैं जो रुकने कौमी असेंबली हैं, आपसे आला कोई नहीं है और मुझसे आला कोई नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का मैं हूं। लेकिन जिस तरफ नुज़र सर, मैं हूं। देखिए सर, देखिए आप एक तरफ जो तनकीद करते हैं, सारा दिन शेख रशीद साहब ने क्या कहा कि अस्करी क़यादत से मिले, क्यों मिले, यही हम कह रहे हैं ना मिले। नहीं तो आप गए, हम भी गए हैं, वो खुद भी गए हैं, वो भी गए हैं ना, तो यही कह रहे हैं। अभी फवाद साहब, शहबाज शरीफ गए, ख्वाजा आसिफ गए, इनके वजीर साहब का बयान है, एक तरफ आप तंकीद करते हैं, इनके वजीर साहब का बयान है, फवाद चौधरी का, इनके वजीर साहब का बयान है कि अगर नवाज शरीफ को इलेक्शन जितवाएं, ये लफ्ज है उनके, इसका मतलब है कि नवाज शरीफ ने दुरुस्त कहा कि वो मैनेज करते हैं, यही नवाज शरीफ ने कहा ना। फिर आप इलामियां पढ़िए, सारी वो चीजें हैं जो इनका मुतालबा है। मैंने पढ़ा, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ आप तनकीद करते हैं उन्हीं इदारों पे, इदारों के सरबराहान पे, और आप वहाँ भागे भी जाते हैं रोल पे तनकीद। अच्छा, जब एक्सटेंशन की बात आई, सबसे आप गए, आप लोग लाइन में खड़े हुए थे, आप पीएमएलएन वाले, उनके रोल पे बैकएंड पे एफएटीएफ का वाकया है, इल्जाम है कि सो आप सर जो कहते हैं वो करते नहीं है, ये वही करते हैं जो हम कह रहे हैं, वही कर रहे हैं। हम कहते हैं कि उनका किरदार, पूरी लीडरशिप गई हुई थी लास्ट वीक, देखे पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो सदर पाकिस्तान के इदारे, फिर आप उन पर तनकीद, मिल बैठना बात करना क्यों नहीं होगा, होगा। जहाँ तक रही बात कि उनका किरदार लिमिटेड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जो उनका किरदार है उसमें रहना चाहिए, और कोई मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे और मुझसे टैक्स रिटर्न पूछी जा सकती है तो आसिम सलीम बाजवा साहब से क्यों नहीं पूछी जा सकती, ये हम बात करते हैं, क्या ये गलत बात है, उनके अपने कानून, क्या ये गलत बात है। ठीक है, मैं आगे चलूँ सर, मलिक साहब आगे बढ़ते हैं, आप बताइए कि कैपिटल है, कैपिटल का लॉ एंड ऑर्डर, बाकी तो आप बहुत से देखे, रिसेंटली आपने एक वीडियो देखी होगी कि आपके एडिशनल सेशन जज जिस तरह उन्होंने कार्रवाई डाली है गाड़ी से निकल के, और उनके पास गन होना, ये क्या हुआ, इसकी क्या डेवलपमेंट है कैपिटल के लॉ एंड ऑर्डर, और वो बड़ा डिप्लोमेटिक इनक्लेव की एंट्रेंस के ऊपर हुआ सब कुछ। नसर साहब, मैं इसका जवाब जो चौसा बात कर रहे थे, ये बदकिस्मती से ये इस गवर्नमेंट का माइंड सेट है। देखिए जज साहब, आप वीडियो में देख सकते हैं, ये वो ऐसी चीज़ थी कि जो सब ने देखी, जो मैंने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, अगर ज़ुबानी बात होती तो आप कह सकते वो तो MPA साहब के शौहर और उनके गार्ड उतरते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, और बगैर पूछे जज साहब से कि आप आपने गलती की है या कसूर है। ये MPA नुज़द की फ्रेंड हैं आपदा राजा, उनके हस्बैंड थे जी, उनके हस्बैंड नहीं, मैं तो जानती भी नहीं उसको मेरे शो में आती है बस इसी तरह, और वो अटैक करके जज साहब को मारना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली वो खुमार था। उस दिन पता चला कि वो आपदा राजा के हस्बैंड हैं, वो शी इज़ वेरी नाइस लेडी, क्योंकि हमारे साला साल से वो शोज में आती हैं, पर उनके जो हस्बैंड ने जो विलन का वहाँ किरदार वीडियो देख के लगता है तो वो किसी का जाती फेल था, और जज साहब का भी जाती फेल था, ये किसी पार्टी का फेल तो नहीं था ना। नहीं, जज साहब का जाती फेल था मार खाना, क्यों उनके ऊपर अटैक करके मार रहे हैं, ये जज साहब का जाती फेल था, ये मैं इसको जाती फेल नहीं कहूंगा। अच्छा, सर साहब आपके ख्याल में क्या उनको जुरत कैसे आ गई उस वो खुरम नामी शख्स को? जुरत इसी वजह से थी, उसको पता था कि मेरे पीछे गवर्नमेंट खड़ी है, और हमने उसे देखा, हमने उसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती, आपने क्या देखा सर? हमने वहां पे खुद जाके देखा कि जज साहब की इवन के एप्लीकेशन इंटरटेन किया जा रहा था, उनका मेडिकल हुआ, उनकी MLC अब जज को एंटरटेन नहीं किया जा रहा, जो सिटिंग जज हैं, जो इस कैपिटल के में सेशन जज साहब हैं, उनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जा रहा था, ये बैसियत बार हमें इन वहां पे शामिल होना पड़ा। कैपिटल के एडिशनल जज हैं, वो एडिशनल सेशन जज हैं, इसी जिले के, उनकी अपनी FIR नहीं कट रही, उनकी अपनी FIR नहीं हो रही थी, इसके ऊपर बार को नोटिस लेना पड़ा, हमने और बड़े इंजर्ड हुए हैं उनके बड़े, हमने स्ट्राइक की कॉल दी। अच्छा, हमने कहा जी हम जज साहब के साथ खड़े हुए हैं, जिसके साथ ज्यादती होगी हम उसके साथ खड़े होंगे। ये MPA की ये आप की कैपिटल की सर, ये कैपिटल में आपके सामने ये आपको आखिर पुलिस क्यों नहीं FIR काट रही थी आप लोगों के? प्रेशर था, अरे एक तरफ सेशन जज था और दूसरी तरफ सिटिंग गवर्नमेंट थी, तो किसकी बात सुनेंगे? जज साहब को मोटर किसने कहना सर?
पहला सवाल ये है कि एक जज की जो कि कैपिटल का सेशन जज जो एडिशनल सेशन जज उनकी अपने ऊपर वाकया हो जाए और उनकी एफआईआर ना कटने दें आप, वो ये कह रहे हैं आपसे मुराद हुकूमत, आप तो तहरीक इंसाफ है। बड़े अफसोसनाक वाक्य है, मुझे भी इस चीज का दुख हुआ, मैंने भी वीडियो देखी, मुझे क्योंकि मैं खुद बात से ताल्लुक रखती हूँ, मुझे भी इस चीज की तकलीफ हुई थी कि ये क्या हो रहा है। और क्योंकि एफआईआर क्यों नहीं कटी, ये बेसिक राइट है, आप तो कानून दान है, आप कानून चाहे जाती फेल भी हो, इंजर्ड तो हुआ हुआ जज था ना, जज का राइट नहीं है एफआईआर कटवाना या किसी भी विक्टिम का, तो वो क्यों नहीं एफआईआर कटी, आप तो लॉयर हैं, आप तो लॉयर हैं, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट के बुनियाद के ऊपर उसका सर्टिफिकेट बनना चाहिए था, उसकी एफआईआर में वो सेक्शंस लगने चाहिए। अगर नहीं कटी तो आपके ख्याल में क्यों नहीं कटी है, लेकिन मैं खुद उस चीज की मजम्मत करती हूं। मुझे ये बता दें, जज का राइट है एफआईआर कटवाना, एप्लीकेशन मौजूद थी, अच्छा एप्लीकेशन मौजूद थी, चौधरी खुर्रम साहब थाने में मौजूद थे, एमपीए साहबा थाने में मौजूद थी, अपने साथ तकरीबन 100 के करीब लोग साथ लेके गई थी, और रात को 2 बजे चौधरी खुर्रम साहब को एमपीए साहबा अपने साथ लेके गई है, कैसे साथ लेके जा सकती थी वो, किनको साथ लेके, चौधरी खुर्रम साहब को एमपीए साहबा हमारी मौजूदगी में थाने से लेके गई है, वो जहाँ पे थाना है वो थाना बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफिस इनके करीब साथ है, बड़ी ताकत होती है हमारी हैदराबाद की बार है नहीं बार क्यों, अगर एक आम सवाल तो नुज़र साहब ये है नहीं, ये नुज़र साहब बार की ताकत थी कि दूसरे दिन पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, हमारा सवाल ये है कि उसी वक्त जब चौधरी खुर्रम साहब थाने में मौजूद थे, एप्लीकेशन आ चुकी हुई थी, तो उसके खिलाफ उसी वक्त एफआईआर दर्ज करके उनको अरेस्ट करना चाहिए था। मैं आप कह रहे तो नुज़र साहबा नहीं कटी, आप एमएनए हैं, देखिए आप एमएनए हैं, तहरीक इंसाफ 22 साल से ये नारा लगा के आई हुकूमत में, तो अगर वहाँ एक जज अपनी एफआईआर नहीं कटवा सकता, कैन यू इमेजिन के आम ऑर्डिनरी लोग कैसे कटवाते हैं, आम ऑर्डर में बहुत बहुत एफआईआर करती रही है, लेकिन ये इसके पीछे सिनेरियो क्या था, क्या वजह थी, क्यों इस तरह हुआ, एफआईआर तो राइट है ना, सिनेरियो जो भी हो उनके साथ सपोर्ट के लिए पहुंचे, लेकिन मैं सवाल ये पूछती हूँ कि नासिर हबीब साहब के हाई कोर्ट ने उसे जज को मौतल क्यों किया, ये सवाल ये कुक के साथ अरशद साहब का कभी समझ में आया कि वो नशे में था, उसने बकवास की और उसने अपने आप को अक्यूज बना दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ तो वो कहता है कि भाई समाज तो इसके साथ बिल्कुल अच्छा सवाल है। जफर साहब ये बताइएगा, ये जो ऑर्डर मैंने खुद वो पढ़ा है वो तो हाई कोर्ट ने उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली सस्पेंड कर दिया जज को, क्यों? देखें नासिर साहब, ये तकरीबन 2 दिन बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया, बेसिकली एक इशू क्रिएट हुआ, एक इनकी तरफ से एप्लीकेशन आई और जज साहब के ख़िलाफ़ भी प्रोसीडिंग हुई हैं, एक जज साहब की एप्लीकेशन थी, तो मैं समझता हूँ कि हाईकोर्ट ने मुनासिब समझा कि ये जब खुद सीट पे मौजूद होगा तो शायद केस के ऊपर असरअंदाज हो सकता है और उसके ऊपर बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए जो हाईकोर्ट करेगी और उसके ऊपर बार को भी कोई एतराज नहीं। ठीक है नुज़र साहब, दोनों कानून दान हैं आप दोनों वकील हैं, अब आगे चलते हैं चौहान साहब आपकी तरफ। सर ये बताइएगा, रिसेंटली एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं किया पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन ने, जब पीपल्स पार्टी को मौका मिला आपने तो आसिम बाजवा का नाम ले लिया, किया तो पीपल्स पार्टी ने था, उनका नाम भी लेना चाहिए था नवाज शरीफ को, पीपल्स पार्टी ने वोट किया चेयरमैन सेनेट के केस में, सो आप लोगों ने ये कर दिया, फिर पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाती है कि मुस्लिम लीग नून ऐसा करती है, इन 3 माह में क्या गारंटी है कि आप एक दूसरे के साथ रहेंगे, या कोई नया इंसिडेंट हुआ तो जिस हुकूमत उल्टने की बात और जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के कोर कमांडर मौजूदा SAPM का नाम लिया, उसमें आप कह रहे हैं कि पीपल नहीं नहीं सेनेट के चेयरमैन, मैं आ रहा हूं ना जी, पहले सूबाई असेंबली के अंदर सेनेटर्स बनवाए गए और फिर आगे सेनेट का इलेक्शन आया, तो हुकूमत खत्म की गई सूबाई आपकी, जी जी हुकूमत खत्म की गई, तो उसका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया कि एक शख्स ने खत्म करवाई, मतलब आसिम साहब का, आपने उस काबीना का मेरा उसका अगला नाम ये नहीं लिया कि चेयरमैन सेनेट के अंदर ही आसिफ जरदारी ने, वो नाम साथ सामने बैठे नहीं, आसिफ जरदारी साहब हमारे साथ नहीं थे तब, उन्होंने अपना कैंडिडेट अलग सादिक संजरानी को, हमने सादिक संजरानी आसिफ जरदारी का कैंडिडेट था उस इलेक्शन में, जब पहली दफा मुंतखब हुए हैं तो सादिक संजरानी साहब, यही तो है ना सर, फिर आप उनके कैंडिडेट आपके कैंडिडेट बन जाते हैं ना,
नहीं नहीं, अब आपको बात को मिक्स कर रहे हैं ना। आप सादिक संजरानी पीपल्स पार्टी कैंडिडेट थे, आप कह रहे हैं ये भाई, मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड कह रहा है। उन्होंने अपना वाइस साथ अपने डिप्टी चेयरमैन दिया था, सलीम मांडवी वाला पीपल्स पार्टी ने, मांडवी वाला उनके, जब पहले मांडवी वाला उन्होंने साथ अपना डिप्टी चेयरमैन दिया था। तो फिर नासिर भाई फजल रहमान ने सर कहा खुलेआम, क्या मुझे मुझे दो लफ्ज कह लेने देंगे? वो करेक्ट किया मैंने, दो अलग वाकयात हैं। आप पहले को मिक्स कर रहे हैं दूसरे के साथ। मैं कह रहा हूँ पहला में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी पीपल्स पार्टी की, इन्वॉल्वमेंट थी पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी हिस्सा थी उस इंतखाब का। पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट सादिक संजरानी और सलीम मांडीवाला थे। सुन लें ना, जरा एक मिनट सुन लें आप। दूसरी बात है, जब सादिक संजरानी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, अब उसकी बात पे आ जाएं, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे थे। हमारे लिए वो शर्मिंदगी है, सियासतदानों के लिए, पार्लियामेंटेरियंस के लिए, मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट के लिए, हमारे माथे पे स्याह दाग है वो, कि उस वक्त मेरे साथी जो मेंबरान पीपल्स पार्टी और नून लीग के थे, सादिक संजरानी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए खड़े हुए और वोट दिया अक्सरियत ने, और जब खुफिया हुए वोट तो कम निकले, तो वो मेरे माथे पे भी उतना ही दाग है। और मुझे लेकिन उसकी शर्मिंदगी कहां से लगता है कि धुल गया? एफएटीएफ में आपके 29 बंदे गए, मेरे अंदर से लगा है ना, सुन ले, मेरे अंदर से लगा, धुला तो नहीं है फिर अभी, नहीं धुला ना, मेरे अंदर से लगा। ये क्या गारंटी है कि आगे चलेंगे आप लोग? देखें गारंटी, मौलाना तो चीखे हैं सर वहां पे, आपके नाम लिए उन्होंने, अच्छा किया नाम लिया, मैं भी यही कह रहा हूँ ना। तो फिर मेरा सवाल तो ये है कि फिर आपको ये सवाल है, अगर हम इस मिनिमम एजेंडे पे, अगर हम मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठे हुए हैं, ये जो आपने इलामिया सारा पढ़ा है कि सी पैक के साथ जो हशर हो रहा है, हम उसके खिलाफ बात करने इकट्ठे हुए हैं, हम आइन की बालादस्ती और 18वीं तरमीम के ऊपर जो बात करते हैं उसके लिए इकट्ठे हुए हैं, मुल्क की मईशत जो तबाह हुई है हम उसके लिए इकट्ठे हुए हैं, ये इस एजेंडे का इस एजेंडा में आप कह रहे हैं कि चाहे वोट कोई किसी को भी देता रहे अगले 3 माह के अंदर? नहीं, ये ऐसी बात, तीन महीने का पीरियड रखा है, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा। आप जब सियासी जमातें मुख्तलिफ इकट्ठी होती हैं, वो जिस बात पे इत्तफाक करती हैं, हम किस बात पे इत्तफाक किया है कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से बैनल कौमी सतह से लेके मुल्की मईशत तक, सी पैक से लेके आपके कारखाना दार आप तक, लोगों का सीरीज ऑफ प्लान जो बना है जी, क्या रिलीज होंगी, सब कुछ होगा? अगर वो रिलीज होंगी और एक पार्टी हुकूमत को वोट कर रही है अंदर से, जब वो करती रही है वोट, तो वो कैसे फिर चलेगा? हुकूमत के पास 51% से ज्यादा वोट है, जो आम कवानीन है वो हुकूमत अपनी अक्सरियत से ज्वाइंट सेशन में नहीं हो सकते था, ज्वाइंट सेशन में आपका नंबर ज्यादा था जो ज्वाइंट सेशन हुआ है। अब दूसरी बात आ गई, पहले आप और बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सिंपल सवाल ये है कि फिर आप मिल जाएं पीछे से, तो ये मौलाना का कंसर्न एड्रेस नहीं होगा? मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ, आप सवाल कर रहे हैं लेकिन मुझे जवाब नहीं देने दे। प्लीज करें, मेरा से मैं रिफ्रेश करता हूं कि आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड ये है पीएमएलएन का और पीपल्स पार्टी का, जहां इनका अपना बेनिफिट नजर आया रिसेंटली, ये चुप करके लाइन में आगे लग गए सबसे, एक्सटेंशन मुझे याद है आप सबसे आगे थे, भागे दौड़े जा रहे थे कि हम वोट देते हैं हम वोट देते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि मौलाना का तो पॉइंट यही था कि अगर अब क्या गारंटी है कि आप पीछे से वो नहीं हो जाएंगे, ये है मेरा। अब आप प्लीज रिस्पॉन्ड करें, अब जिस जो इलामिया जारी हुआ है वो पढ़ा अपने पॉइंट टू पॉइंट सब मेरे रटा हुआ है, मेरा रटा हुआ है, केड़ा नंबर दे दसो, उस सब के ऊपर हम इकट्ठे हैं, हम साथ चलेंगे। उसमें कहीं लिखा हुआ है कि फलां दिन जो कानून साजी होगी उसमें हम वोट नहीं देंगे? लिखा हुआ है कहीं? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना जी। सियासी जमातें जिन बातों पे इकट्ठी हुई हैं वो आपके सामने है, उसमें मुल्की मईशत, हकूमत की बद इंतजामी, हकूमत का खात्मा, हुकूमत का खात्मा इसीलिए जरूरी है ना जी, आप कहें कि शफाफ इंतखाबात, हुकूमत का खात्मा और शफाफ इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात इनका भी है, और हुकूमत का खात्मा में अगेन ये सारे रहनुमाओं ने कहा किसी गैर जमहूरी रवैये का हिस्सा नहीं बनेंगे। जमहूरी रवैया है कि आप सियासी जमातें वज़ीर आज़म से मुतालबा करें, और ये सारे जमहूरी मुल्कों में होता है, कि आप हुकूमत नहीं चला पा रहे तो आप नए इंतखाबात, नए इंतखाबात का ऐलान कर दें। नुज़ा साहिबा, जो मैं समझाऊँ अपने सवाल जो मैं बार बार कर रहा था उससे जो मैं समझाऊँ, वो ये कह रहे हैं कि इस जो इनका जो जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई है इन्होंने, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कोई पीछे से छुप के वोट दे आए पीछे से खाना खाए, इसका ताल्लुक जो मैं समझ रहा हूँ अपने लफ्जों में कह रहा हूँ सॉरी, इसका ताल्लुक नहीं है, आप कह रहे हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लिखा नहीं हुआ कोई खाना खाए तो नहीं लिखा हुआ ना सर भाई, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, छुप के वोट दे आएगा इससे फर्क नहीं पड़ेगा, किसका खाना नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने लोगों ने वोट दे दिया हुकूमत को, किस बात किसी बात, अभी 3 महीने तो नहीं पता पहले क्या बात आने वाली है। इसमें लिखा हुआ है कि हुकूमत कोई अगर कोई ऐसा कानून कायदा आता है
जिसके अंदर जरूरत है वोट की, और हुकूमत पार्टियां ये समझती हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। अगर मुल्की मफाद में या अवाम की भलाई में कानून कायदा आएगा तो क्यों नहीं वोट देंगे? क्यों नहीं वोट देंगे? ठीक है, इसे इशू नहीं, मौलाना को इशू नहीं होगा, मौलाना को कभी मूवमेंट खराब नहीं, मूवमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा, मूवमेंट को भी नहीं। और जिस बात पे आपने सेनेट वाली बात की, बिल्कुल वो तहफुजात दुरुस्त हैं, उस पे मैं भी एडमिट कर रहा हूँ कि वो मेरी बरादरी पे हमारे माथे पे स्याह दाग है। ठीक नुजा साहबा, ये तो आपने सुना जो कन्वर्सेशन हुई, अब मुझे ये बताइएगा, देखिए इजंट इट वेरी अलार्मिंग फॉर गवर्नमेंट कि एक सीरीज ऑफ आ रही है, रिलीज होंगी, जलसे होंगे, फिर जनवरी के अंदर तो वो आके यहाँ बैठ रहे हैं, बैठने के भी चले गए, तो ये जो सारा कुछ आपके ऊपर अगले 3 महीने गुजरेंगे, ये भारी होंगे, वो जो एक जरदारी सब पे भारी, अब तो ये एक नहीं है, 11 हो गए हैं अब इस दफा। हाँ जी, ये 3 महीना का अदद पीरियड होता है ना इनका, तो ये उसमें उसको क्रॉस करना चाह रहे हैं कि वो जो खुला लेती है ना, तो उसमें उसका अदद अदद का होता है, वो हलाला करती है ना, और सियासी कारकुन के अल्फाज सुनिए। लेकिन मुझे तो एक शर्म आ रही है, समझ में मैं छोड़े नहीं, ये अच्छी एग्जांपल नहीं, छोड़े नहीं, आप रुकने कौमी असेंबली है, आप सियासी कारकुन है, जरा सियासी लहजे में बात करें। मैं जो कह रही हूँ, आप जो कह रही हैं वो सारे पाकिस्तान ने सुना है, ऐसी बात कोई मर्द यहाँ बैठ के करता ना, तो आप हमारा जो हशर करते हैं वो भी आपको पता चलता। बी आ पॉलिटिकल वर्कर, रिलेट क्यों मेंबर कौमी असेंबली? ठीक नुजा साहब, इसको रिलेट इतनी गलत मिसाल से क्यों कर? ये जो पीरियड गुजारे 3 महीने का, ये पहले खुद समझ लें कि इनको करना क्या है, ठीक है? और जो इन्होंने बता दिया 3 महीने, एक व्हाइट पेपर छापा है, उस व्हाइट पेपर से 10 दिन की छुट्टियां, 1 अक्टूबर से दे आर इन एक्शन। ये सारा 3 दिन में समझ आ गया ना? हाँ, 3 दिन में समझ आ गया, जब वजीर आजम को कहना पड़े कि मैंने इजाजत दी खिताब सुनाने की, पता नहीं चल गया अपोजिशन करना, तो कितना मैं पूछूं, आज बड़े अबू दिलासा देने आए हैं। सर ये फिर आपने गलत मिसाल दे दी, आए हैं ना दिलासा देने, सर एक उन्होंने गलत मिसाल दे दी आपने, फिर ये अल्फाज देखे ना आप चुनाव का। नुजर साहबा, मैं पूछ रहा हूँ कितना खतरनाक होगा आपके लिए, देखिए सीरीज चल रही हूँ, रैलीज चल रही हूँ, धरने चल रहे हूँ जी जी, प्लीज आवाज कट रही है, मैं ये पूछ की आवाज आ रही थी ना आपकी आवाज, मैं कह रहा हूँ कितना आपके लिए मुश्किल होगा हुकूमत के लिए अगले 3 माह। मुश्किल नहीं है, देखिए हुकूमत में अभी पहले पिछले जो 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, तो 3.5-4 साल इन्होंने हुकूमत चलने दी, फिर आखिरी साल में नवाज शरीफ साहब जो है वो रोडों पे निकल आए और आकर एक बड़ा एहतजाज किया, ये किया वो किया, और फिर नॉर्मल अंदाज में हुकूमत अपना पार्लियामेंट ने अपना टाइम पीरियड खत्म किया और इलेक्शन में चली गई। फिर नवाज शरीफ साहब को 4 साल की हुकूमत मिली, फिर वो पानामा केस आया, फिर उन्होंने जो है वो खाकान साहब को आ गए, फिर वो अपनी इलेक्शन के प्रोसेस में। अच्छी बात है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अपना टाइम पीरियड गुजारे और लोगों के सामने उनकी कारकर्दगी हो, अगर हमें अच्छा ये अप्लाई आपने भी किया, आपका धरना था कि 5 साल जी हम अच्छे रहे और हम अच्छा काम करके लोगों को दिखा रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने धरना किया था तो आप भी कह रहे थे कि रिजाइन हो ना, आपने तो 5 साल पूरे नहीं करने दे रही थी, धरना किस लिए था कि 5 साल पूरे करें, हम यहाँ सपोर्ट करने हैं? हमने धरना दिया था कि हमारे 4 हल्के थे जो आपने नहीं, रिजाइन नहीं मांगा था प्राइम मिनिस्टर से, तो ये मतलब इतना होता ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन नहीं मांगा था बिफोर कम्प्लीशन द ट्यूनल। नासिर आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ जो आप कह रही हैं कि 5 साल पूरे करने दिए जाएं, सही कह रही हैं, आई फुली सपोर्ट इट कि हर गवर्नमेंट को 5 साल मिलने चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है, बट आप लोग तो आ गए थे पहले ही उनको खत्म करने के लिए। नहीं, हम तो पहले आ गए थे ना, हमने तो ये कहा था कि जी हमारे 4 हल्के ऐसे हैं जिन पे हमें शक है, जो हमने जीते हुए थे, जो हमसे ले लिए गए हैं, आप इलेक्शन कमीशन को कहें कि वो उसको खोल दे। हमने पहले भी इनकी डिमांड कबूल की, हमने कहा कि हम जी इलेक्शन कमीशन से आपको जितने भी के खुलवाने हैं, इलेक्शन कमीशन आपकी जो है वो पार्लियामेंट बिल्कुल जी वह खत्म हो रहा है। मैं मलक साहब को भी, मलक साहब जो जो इस्लाम कैपिटल की जो कचहरी है, शहर चौधरी साहब का भी इतफाक हुआ हो जाने का, नुजर साहब लॉयर हैं, वो भी प्रॉबेबली गई हूँ, मैंने भी विजिट किया, वो तो सर किसी दुनिया में इस तरह की कचहरियाँ होती हैं कि इस स्टूडियो में तो 6 जजेस बिठाते हैं आप लोग, बीइंग प्रेसिडेंट क्या 3-4 बड़े इशूज़ थे जिनको आपने रिजॉल्व करने की कोशिश की? देखें बात की सबसे पहले से, तो ये बताएं ये जो एक इतने से कमरे के अंदर 4 जजेस को बिठाने का, यानी कचहरी के हवाले, ये बदकिस्मती है, और मैं इसी तरफ ही जनाब की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये शायद किसी गवर्नमेंट के एजेंडे में शामिल ही नहीं रहा कि इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है, जो कि फेस है पाकिस्तान का, आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लिटिगेंट आते हैं,
आप जजेस को ऐसा माहौल ही नहीं देते, आप लिटिगेंट को ऐसा माहौल ही नहीं देते। सर मैं इंटरनेशनल मीडिया में था एक बड़े इंटरनेशनल चैनल के साथ, तो हम लोग जब कवर करने जाते थे लोग हंसते थे कि इज दिस योर कोर्ट, बड़े बड़े केसेस जो बीच में आते थे। वो चौई साहब के 5 साल भी गुजर गए, अब नुजर साहबा के 2-2.5 साल भी गुजर गए, तो अब क्या है, क्योंकि वो एक खबर है ना, वहाँ लोग केसेस ऐसे होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है, अब क्या है उसी तरह रहेगा? बिल्कुल सेम टू सेम पोजीशन है, लेकिन हम एफर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस चीज़ को रिड्रेस करेंगे। आज भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हमारी बार में तशरीफ लाए थे, उन्होंने वहाँ पे विजिट भी किया, कचहरी में आए थे उन्होंने, तो वहाँ इस पे आज भी उनके सामने यही बात रखी है। लेकिन चीफ साहब इसके ऊपर बहुत कंसर्न है और बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत हद तक काम हो चुका, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है वो स्टार्ट होगा। वो कहाँ पे होगा? वो G10 G11 में स्टार्ट होना, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि जहाँ पे हाई कोर्ट मौजूद है यहाँ पे उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए, क्योंकि उसके साथ का जो प्लाट है वो वकला का है। ठीक, हम हमारे कहीं ना कहीं काम हो रहा है मूव होने का जी इंशाल्लाह इसके ऊपर। और कोई बड़ा इशू जो नहीं चाहते, हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, सबसे बड़ा तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि हम इनक्रोचमेंट करके वहाँ पे बैठे हुए हैं, हम कोई कब्जा माफिया नहीं है, हम इस माहौल में नहीं रहना चाहते, लेकिन हमारे साथ गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही, अपने प्रीवियस करती रही हैं, मौजूदा नहीं कर रही। बदकिस्मती से किसी गवर्नमेंट ने हमारे, क्योंकि दो हुकूमतें तो आपके साथ बैठी हैं, चौई साहब की मिनिस्टर थे, मैडम MNA हैं जी, किसी गवर्नमेंट ने आज तक किसी गवर्नमेंट, हम तो हर गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं, हमारी जो प्रीवियस कैबिनेट है, मेरा ख्याल है कोई हमारी ऐसी कैबिनेट नहीं थी जिसने किसी गवर्नमेंट को अप्रोच ना किया हो, लेकिन किसी गवर्नमेंट के एजेंडे में इस्लामाबाद की जो कैपिटल जुडिशरी है ये है ही नहीं। आपकी सदारत में और कोई बड़ा इशू जिसके ऊपर काम? देखिए हमारी सदारत में सबसे बड़ा इशू वो कोरोना की शक्ल में आया, आते ही अदालतें बंद होगी, 6 महीने ऑलमोस्ट अदालतें बंद रहीं, जिसमें लिटिगेंट ने सफ़र किया, जिसमें हमारे जो क्लर्क साहबान हैं उन्होंने सफ़र किया, जिसमें हमारे वकला साहबान हैं उन्होंने सफ़र किया, बहुत सारे ऐसे वकला साहबान हैं या क्लर्क हैं जिनका डेली बेसिस के ऊपर घर का चूल्हा चलता है, बहुत बड़ा, लेकिन 6 महीने एक बहुत बड़ा लंबा अरसा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके ऊपर काम किया, हमने एक बड़ी अमाउंट अपने सीनियर दोस्तों से, अपने जाती दोस्तों से लेके आए और उनके घरों तक पहुंचाई, चूल्हे चलाए जी, उनके चूल्हे चलाए। उसके बाद यही जो जुडिशियल कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, लायर कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम हमारी एक और बहुत बड़ा इशू है, अभी दोनों अपोजिशन पार्टी भी बैठी हुई हैं और हकूमती पार्टी भी, मेरी दोनों से गुजारिश है कि पिछले 7 साल से इस्लामाबाद की वही जुडिशरी यहाँ पे बैठी हुई है, देखें एक जगह पे अगर वही जजेज होंगे तो मैं समझता हूँ पसंद और नापसंद वाला इशू होता है। हमारा ये बहुत बड़ा मुतालबा है कि इस्लामाबाद जुडिशरी को रोटेट किया जाए। इस पे सर हम बिल्कुल डिटेल डिस्कशन कर रहे, बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है सर, इसको रिस्पॉन्ड करें। आपके 5 साल आप उसमें वजीर भी थे, आप कभी इत्तफाक हुआ इस कैपिटल की कचहरी में जाने का? वो किस दुनिया के सिर्फ एक वो नहीं बहुत सारी कैपिटल की, अगर आप पिम्स का लगाएं तो भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि होनी चाहिए, इस तरह जेल कैपिटल के अंदर नहीं है यहाँ, वो भी उसकी भी ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ये लैप्सेस हैं और इनको दूर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सर वक्त खत्म हो रहा, आप क्या फ्यूचर देखते हैं APC के बाद, मुल्क के हालात किस तरफ जाते देखते हैं? आपको लगता है कि क्या 3 माह की लॉन्ग मार्च के बाद ही कोई मुतालबा मंजूर होगा, इससे पहले भी कोई मुतालबा आपको लगता है? देखें हुकूमत का रवैया गैर जमहूरी है और मुझे नहीं लगता कि वो किसी ऐसे मामले में अपोजिशन के साथ कभी पहले भी नहीं बैठे, इवन जब इंडिया ने ये हमारे बॉर्डर पे अटैक किया तब अस्करी इदारों के सरबराहान आए, इधर से भी जिस तरह बदला लिया गया वो बड़ा एक उनके लिए, पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो ब्रीफिंग देने, तो इमरान खान शामिल नहीं थे। अगर करना चाहें तो बेहतरीन हाल ये है कि जब इनकी मईशत भी तबाह, इंतजामी ढांचा भी तबाह, तो उसका जमहूरी तरीका यही है कि वज़ीर आज़म ने इंतखाबात का ऐलान करें और वो उन्हें करना पड़ेगा, इंतखाबात का ऐलान कर दें पहले, ढाई साल पहले। जी जमहूरी तरीका है। जब आप लोगों के खिलाफ था तो आप लोग इसके खिलाफ बोलते थे कि ये तरीका ठीक नहीं है? नहीं, हमने एक दिन ये नहीं कहा, आप जरा रिकॉर्ड निकलें, जब वो कहते थे ना कि हम लानत भेजते हैं इस पार्लियामेंट पे, तब हम पूछते थे कि आप इसके रुकन हैं, ना भेजिए लानत, ये आप पे भी आएगी। सर बिल्कुल वक्त खत्म, नुज़ा साहबा आप क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें, वक्त खत्म हो चुका, कि आप कोई मुतालबात पहले से मान लेंगे, अपोजिशन के साथ बैठेंगे या इसी तनख्वाह पे चलेगा सारा काम?
जनाब इंशाल्लाह 5 साल ये पार्लियामेंट गुजारेगी और बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सारे अपने अंजामों को पहुंचेंगे, सारे अपोजिशन जितने बैठे हुए हैं वो आप बेफिक्र रहे, अल्लाह इमरान खान के साथ है। नुज़ुर साहब बहुत शुक्रिया, चोई साहब बहुत शुक्रिया, वन लाइनर जफर साहब, कि जो 5 साल का पीरियड हो या 4 साल का पीरियड हो जो बहस होती रही है, क्या वो गवर्नमेंट्स के पूरे होने चाहिए? एक डिबेट ये है कि पूरे होने चाहिए, लेकिन अगर हुकूमतें जुल्म कर रही हों, महंगाई कहाँ पहुँच गई है, बेरोजगारी कहाँ पहुँच, फिर प्रेशर क्या होगा अगर हर कोई आके 4 साल या 5 साल के लिए बैठ जाएगा? वन लाइनर सर, बिल्कुल वक्त, लेकिन बिल्कुल पूरे होने चाहिए, हर गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए, जो भी करे आवाम के, लेकिन बदकिस्मती से अब जो हालात हैं वो सबके सामने, इस पे ऊपर मैं वो यानी कि दो इससे लंबी डिबेट। बहुत शुक्रिया सर आपका, चोई साहब आपका शुक्रिया, नज़र साहब नाजनी थी हमारी आज की डिबेट के, क्या इम्पैक्ट होगा, एक बड़ी APC हुई है, उसके अंदर कुछ डिवेलपमेंट्स आई हैं, कंट्रोवर्सीज पैदा हुई हैं, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी सियासत के ऊपर क्या होगा, इसको फॉलोअप जारी रहेगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।